सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति 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 वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 74वां स्वर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के लिए मना करने पर भरत जी अभी भी और प्रयास करना चाह रहे हैं। तो उस रात्रि को जिस दिन ये चर्चा हुई तो उसमें तो अनुमति नहीं मिली श्री राम की, वो रात्रि ऐसे बीत गई चर्चा करने में। और उसके बाद प्रातःकाल प्रभात काल में स्नान आदि करके गंगा नदी में और यज्ञ जप आदि अपने दिनचर्या करके पुनः श्री भरत जी प्रजाजनों के सहित श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए हैं और वो निवेदन कर रहे हैं कि मेरी माता जी ने मेरे लिए राज्य को मांगा और अब वो राज्य मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। तो श्री राम उनको और वो अपनी थोड़ी असमर्थता भी अभिव्यक्त करते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि ये आपके स्थान पे राज्य को चलाना ऐसा ही है जैसे कोई अश्व के स्थान पे गर्दभ को जोतना चाहे या कोई गरुड़ के स्थान पे किसी सामान्य पक्षी को प्रयोग करना चाहे तो वो उसकी होड़ नहीं कर सकता है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही आपके स्थान पे राज्य को चलाना मेरे लिए ऐसे ही असंभव सा है। और श्री भरत जी की इस बात के ऊपर जो प्रजाजन है वो भी अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी अनुमोदन करते हैं उनकी बात का कि हाँ ऐसा ही ठीक है और आपको चलना चाहिए। तो श्री राम कहते इसमें थोड़ा उनको समझाने के लिए प्रारंभ करते हैं अपने उपदेश को और वो बताते हैं कि सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ये जो पुरुष है पुरुषो अयम अनीश्वर, ये स्वयं का स्वयं स्वामी नहीं है, इसका भी कोई और स्वामी है। तो ये केवल कर्म करने में तो ईश्वर है लेकिन कर्म का फल पाने में ये ईश्वर नहीं है, फल किसी और के हाथ में होता है। तो किस समय कौन से कर्म का फल मिलना है ये तो ईश्वर ही तय करता है। हम ये भी तय नहीं कर सकते हैं कि ठीक है जी इस कर्म का फल मिलना ही है तो थोड़ा आगे पीछे कर देना। अभी आज तो हमारे घर में शादी है, आज तो हमारे संस्थान में फंक्शन है, आज तो कोई मैं बहुत शुभ मुहूर्त में बड़ा काम प्रारंभ कर रहा हूँ तो आपको यदि ये फल देना ही है तो और दो दिन बाद दे देना, ऐसा भी नहीं होता है। किसी की मृत्यु जिस दिन आनी है तो उसी दिन ही आनी है। तो ये जो कर्म फल मिलना है वो कब मिलना है, कितना मिलना है, क्या मिलना है वो हम तय नहीं करते, ऐसे श्री राम बता रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, कुछ पीछे से पूछना है किसी को, कोई प्रश्न है किसी का, बोलिए।
ओ माता जी प्रणाम। माता जी आज तक मान के चलें जैसे रामायण हम पढ़ रहे हैं तो योग्य तो राज्य करने के लिए भगवान श्री राम ही हैं और पूरा परिवार भी चाहता है कि वही करें। अब भगवान श्री राम धर्म के लिए मतलब उस चीज़ को त्याग रहे हैं और सभी धर्म के नाते उस चीज़ को करवाना चाह रहे हैं उनसे, तो उसमें वास्तविक धर्म किसको माने माता जी? मतलब असमंजस आता है, उलझन में फंस जाता है आदमी कि मतलब चाहते तो सभी उनसे राज करवाना है, सभी को लगता भी है कि उन्हें यह राज्य करना चाहिए, माता जी भी कह रही तो हैं ये पिताजी उनका को भी। धर्म है कि उनकी इच्छा है ये? इस चीज को मतलब एक तो मो धर्म होता है, एक हमारी इच्छाएं होती हैं, तो दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर तो है, गहरे लेकिन से चिंतन करना पड़ेगा। धर्म पूर्वक जो इच्छाएं की जाती हैं वो मतलब धर्म ही हुआ फिर कि... हाँ, धर्म पूर्व की इच्छाएं होंगी वो तो धर्म का ही पार्ट हो जाएंगी, और जो धर्म से हटके इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं सात्विक ही हैं, उसमें किसी का दुख कष्ट देने की भावना नहीं होती है, तो उनका क्या करोगे? मतलब धर्म से हट करके हैं इच्छाएं, जी। इच्छा तो सात्विक ही है लेकिन धर्म पूर्वक नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? इच्छा पूरी करनी चाहिए कि धर्म का पालन? वही उलझा देती है माता जी ऐसे, मतलब उलझा असमंजस देते हैं, चिंतन करो। ऐसा धर्म मतलब जो आपका सबको धर्म, आपकी इच्छा है कि मैं रोजाना आधा किलो घी खाऊं, और धर्म तो कहता है कि भी जो सबको मिलता है इतना ही आपको भी मिलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए कि सबके बराबर रहना चाहिए आपको? तो सबके बराबरी रहना चाहिए। ऐसा ही है धर्म का। प्रजा की तो इच्छा है, और इच्छा किस लिए है? राग है श्री राम के प्रति, तो राग के कारण इच्छाएं हैं। और धर्म तो कहता है कि एक बार जो व्रत लिया है उसको तोड़ना नहीं है, धर्म ये कहता है। संकल्प को तोड़ना अधर्म है, अधर्म नहीं पाप है, पाप नहीं महापाप है, महापातक। तो शास्त्र उसमें सहायता करते हैं ना हमारी, कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें फिर शास्त्र हेल्प करते हैं, ऋषि हेल्प करते हैं, ऐसे करो। तो इसलिए आप देख रहे हो ना कि वशिष्ठ जी मौन हैं, दोनों भाइयों का संवाद चल रहा है। तो अगर कहीं धर्म विरुद्ध कोई बात होगी तो हस्तक्षेप करेंगे। जब विश्वामित्र जी इनको लेने के लिए आई थे बचपन में, तो महाराजा दशरथ मना कर रहे थे कि भाई आपको तो असुरों का ही तो नाश करना है, तो आप हमारी सेना लेके जाओ, और फिर भी काम ना चले तो मेरे को ले चलो, मैं तो ज्यादा कुशल योद्धा हूँ, ये तो अभी बच्चे हैं, तो भाई आप इन बच्चों को मत लेके जाओ। तो तर्क से तो उनकी बात ठीक ही समझ में आती है ना, कि भाई विश्वामित्र जी को अपना निर्विघ्न यज्ञ संपन्न करना है, तो उसके लिए उनको कोई धनुर्धारी चाहिए, तो धनुर्धारी तो सेना में एक से बढ़ के एक है, तो उनको भेज देंगे, तो राम का ही हठ क्यों? और राम से भी ज्यादा तो कुशल धनुर्धर उनके पिताश्री हैं। तो उस समय वो मना करते हैं, विश्वामित्र हठ करते हैं कि नहीं, इन्हीं को ही लेके जाना है, राम को ही और किसी को नहीं लेके जाना। तो फिर हस्तक्षेप करते हैं वशिष्ठ जी उस समय, क्योंकि उनको पता है कि दशरथ जी राग के कारण वो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो इसलिए वो हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ भी करेंगे, पर राम यदि स्वयं ही अपने धर्म के प्रति सजग हैं, जिम्मेदार हैं, और ठीक ठीक बात कह रहे हैं, तो वो बीच में वो भी मौन होकर सुन रहे हैं दोनों भाइयों की बात। तो उलझन नहीं होती है व्यक्ति की, कमजोरी होती है। व्यक्ति को पता तो चलता है कि इस समय क्या करना चाहिए, या थोड़ा सा भी थोड़ा शांत होके सोचेगा यदि, तो बिना शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति को भी अंतः प्रेरणा बताती है कि अब ये करना चाहिए आपको, पर व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता, उस प्रेरणा को सुनता नहीं है, और लंबे समय तक सुनता नहीं है तो प्रेरणाएं आनी बंद भी हो जाती हैं, और जब सुनने लगता है तो एक के बाद और स्पष्ट प्रेरणाएं मिलने लगती हैं, और ज्यादा क्लियरिटी होती चली जाती है, तो कोई डाउट रहता नहीं है, फिर व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाता है कि इस समय क्या करना चाहिए, तुम्हारा धर्म क्या है? आप अपने अंदर से पूछोगे ना कि अब क्या करना चाहिए, तो अंदर से आवाज मिलती है, और उसका पालन करने लगोगे तो और स्पष्टता से मिलती है, तो उतनी ही स्पष्टता से मिलती है जैसे बाह्य दृष्टि से स्थूल रूप से माता पिता गुरुजन हमें बताते हैं कि अब ये करो ये मत करो।
लेकिन कभी कभी तो हम अंदर की आवाज तो छोड़ो, बाहर वाली स्थूल आवाज को भी करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं समझ पा रहे हमारे को, तो इनका निर्णय जो है इन्होंने तो झट से दे दिया, लेकिन इनको थोड़ा सा मेरे स्तर पे उतर के सोचना चाहिए। ऐसे हमें लगता है कि ये हमारे चित्त की स्थिति को, हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे झट से इन्होंने बोल दिया। ऐसा नहीं होता है, तो हम सुनना नहीं चाहते हैं। कमजोरी ये है, धर्म की उलझन नहीं है, धर्म अधर्म का तो पता होता है। तो दुर्योधन ने बोला, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानता तो हूं सब मैं भी, लेकिन करूं क्या, मुझे वो ही करना ठीक लगता है जो अधर्म है। ऐसे होता है। कैसे हो माता जी? मतलब जानते हुए भी आदमी नहीं निकल पा रहा, तो फिर उसमें संस्कार ही काम कर रहा है उसका। संस्कार ही काम कर रहे हैं, तो ज्ञान तो है ना कि क्या करना चाहिए, जी लेकिन अपने जो अच्छे या बुरे संस्कार हैं वो करने नहीं देते हैं, बलात् खींच के ले जाते हैं व्यक्ति को उधर ही। शराब पीने वाला जानता है नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसके संस्कार शाम होते ठेके की तरफ ले जाते हैं उसको, उसके पैर रुकते नहीं है। उसको भी पता है घर में पैसे नहीं है, बच्चे परेशान हैं, पत्नी परेशान है, माँ परेशान है, रिश्तेदार सम्मान नहीं करते हैं, और पीने के बाद वो अपने मन में संकल्प भी करता है कि चलो आज लास्ट ले लेता हूँ, आज के बाद नहीं लूंगा, लेकिन वो टाइम होते ही उसके संस्कार ले जाते हैं उसको वहां। तो परवश तो व्यक्ति करता है सारे कार्य संस्कार वश। संस्कारों को तोड़ना कोई सरल काम थोड़ी है, कठिन काम है, महावीरों का काम है। इसलिए जैन धर्म में जो महावीर जो है, उनका नाम महावीर नहीं है, नाम तो वर्धमान है, लेकिन उन्होंने सब संस्कारों को तोड़ डाला, तो ये महान वीरता का काम है। बाह्य वीरता से भी बड़ी वीरता चाहिए इसके लिए, अपने संस्कारों को तोड़ने के लिए। तोड़ सकता है किसी का संकल्प है यदि बहुत दृढ़, हल्का हल्का है तो हल्के हल्के तोड़ेगा, आग्रह वो फिर बचे रह जाएंगे। तो ऐसे चलती है ये यात्रा। तो श्री राम का तो बहुत ज्यादा साहस है, तो वो एक क्षण के लिए भी उनके सामने कोई अधर्म का निर्णय टिक नहीं सकता है। कितना भी ज्यादा कोई अपना स्वजन परिजन कह रहा हो, बिलख रहा हो, रो रहा हो, मर रहा हो, जी तो भी वो धर्म को नहीं छोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, बहुत दृढ़ होते हैं वो। और चलो श्री राम के बारे में तो कोई कह सकता है कि जी हमने तो देखा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, तो उन्होंने एक नियम ले रखा था, वो आश्रम में रहते थे गांव से बाहर, और उनकी बेटी और माताजी जो उनकी धर्म पत्नी रही, वो गांव में रहते थे, लेकिन वो सुबह आ जाते थे आश्रम में और शाम को वो आश्रम से सूर्यास्त के बाद चले जाते थे। ऐसा ही नियम बना दिया था आश्रम बनाते ही कि भी रात को यहाँ कोई भी बहन नहीं रहेगी, कोई बहन बेटी नहीं रहेगी। तो घर में वो दोनों माँ बेटी जाती थी चल के 2-2.5 किलोमीटर, और यहाँ आश्रम में सूर्यास्त के बाद इतना भी नहीं कि भी कम से कम खाना वाना यहाँ खा के चले जाए, ऐसा भी नहीं था। सूर्यास्त के बाद जाना ही, उससे पहले खाना है तो खा लो। तो एक बार फिर जो वो है, उनकी पुत्री जो है वो युवावस्था में ही विधवा हो गई थी, उनकी भी 2 बेटियां थी। तो एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, और यहाँ स्वामी जी महाराज की वो इकलौती बेटी थी, बेटा पहले ही मर गया था, और किसी ने आके बताया कि स्वामी जी बस बुआ जी तो अंतिम सांस ले रही हैं और आपको बहुत याद कर रही हैं, उनको बुआ जी बोलते थे सब, तो बोले वो आपको स्मरण कर रही हैं, तो आप एक बार चल के बस उनके सामने खड़े हो जाएं तो उनके प्राण अच्छे से छूट जाएंगे। तो मना कर दिया, क्योंकि वो जब जिस आश्रम में बैठे थे 45 साल तक उससे बाहर नहीं निकले, फिर वो मतलब प्राण ही छोड़ दिए उसी आश्रम में, पर बाहर नहीं गए। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मेरे को यहीं रहना है इसी आश्रम में, तो गेट के बाहर ही नहीं गए वो। बहुत लोगों ने समझाया, वो आ नहीं सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में तो व्यक्ति तुरंत समझौता कर लेता है,
लेकिन उन्होंने किया नहीं। और जो भी उन्होंने प्रार्थना की, या भगवान का अनुग्रह था या उनकी परीक्षा थी, जो भी था, लेकिन वो ठीक हो गई फिर। और उन्होंने भी बुरा नहीं माना कि भाई ये क्यों नहीं आई, हम इनकी इतनी सेवा करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे नहीं माना, उनको भी ये अच्छा ही लगा। तो जब कोई दृढ़ होता है ना अपने व्रत में, तो उनके माता पिता गुरुजनों को, स्वजन परिजनों को भी अच्छा ही लगता है। बेशक वो राग के वशीभूत होकर के आपको बुलाना चाहेंगे और आप भाना मार के चले जाओगे, तो उनको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपके लिए आत्मा का जो गौरव है वो कम हो जाएगा आपके प्रति। उनको पता लग जाएगा हमारे जैसा ही है, सफेद कपड़े पहन के गुरुकुल में चला गया तो क्या हुआ, है तो हमारे जैसा ही, हमने बुलाया और ये आ गया, बहाने मार के आ गया झूठ बोल के गुरुकुल में। तो वो हृदय से आपका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप दृढ़ हैं तो उनको थोड़ी देर बुरा तो लगेगा कि देखो हमारे बुलाने पे भी आया नहीं, लेकिन आत्मा का सम्मान बढ़ जाएगा आपके प्रति। उनको भी पता है कि धर्म का आचरण करना वीरता का काम होता है। तो श्री राम ऐसे ही अपने धर्म का, धर्म को सर्वोपरि रखते हुए आचरण कर रहे हैं, और इससे भरत जी को या माताओं को या गुरु वशिष्ठ जी को कष्ट भी है कि ये नहीं चल रहे हैं, लेकिन मन में श्री राम के प्रति गौरव भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रजाजनों का भी गौरव बढ़ रहा है, माता का भी, ऐसा ही होता है। धर्म का आचरण जो करता है तो उसके प्रति एक गौरव का भाव तो बढ़ता है, तोड़ देते हैं तो नहीं बढ़ता है। व्रत तोड़ने वाला अपनी ही दृष्टि में सम्माननीय नहीं होता है, दूसरों की में तो कहां से होगा। और जिसकी अपनी आत्मा जिसका सम्मान नहीं करती है, वो दूसरों से अपेक्षा भी क्या कर सकता है। तो व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में गिर जाता है अपने व्रतों को तोड़ने से, तो दूसरों की दृष्टि में तो क्या ही उठेगा। तो इसलिए व्यक्ति पहले अपनी दृष्टि में कभी ना गिरे, दूसरे उसको ना भी जाने ना भी पहचाने तो भी चलेगा, पर अपनी दृष्टि में यदि वो नहीं गिरता है, अपने व्रतों के प्रति दृढ़ है, तो उस व्यक्ति का अनेक अनेक संघर्षों में भी वो गिरेगा नहीं, उसका स्वाभिमान शिखर पे रहेगा। अनेक झंझावात मिलकर के भी उसको हिला नहीं सकते हैं, फिर उसका आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। तो धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपनी दृष्टि में ही महान होता है, दूसरे उसको जाने ना जाने, उससे कोई लेना देना भी नहीं है उसको। जाने बहुत अच्छी बात है, ना जाने तो उससे भी अच्छी बात है। वो चाहता ही नहीं कि कोई जाने, छिपके ही रहना चाहता है धार्मिक व्यक्ति। ठीक, अगला प्रश्न। धन्यवाद। ओम प्रणाम माता श्री जी। माता श्री, जैसे भगवान राम जानते हैं कि भरत धर्म का प्रतीक है, और भरत जी भी जानते हैं कि भराता राम जो है धर्म की मर्यादा है, उसके बावजूद भी पूरा कुटुंब इकट्ठा होकर ये जानते हुए कि राम मानेंगे नहीं, तो भी सब प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं माता जी? प्रयास करना तो अपना फर्ज है भाई, जीव का अपना बल और है ही क्या, प्रयास करना ही तो बल है जीव का। फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, वो तो राम जाने क्या देंगे, तो फल देना तो राम के ही हाथ में है। प्रयास तो अपना करना ही चाहिए, अपनी तरफ से अंत तक करना चाहिए। और ये ऐसे जान भी नहीं रहे हैं कि श्री राम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसा भी नहीं है। करने वाले को भी ये लगता है कि हो सकता है मैं सक्सेस हो जाऊंगा, इसीलिए तो जाते करता है व्यक्ति, प्रयास करता ही तब है जब उसको लगता है कि नहीं मैं इस कार्य को कर ही लूंगा, ऐसे उसको कॉन्फिडेंस होता है, तभी तो वो उसमें हाथ डालता है, नहीं तो नहीं डालेगा। तो इतना अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद तभी संतोष पैदा ही तब होता है। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान आदि नियम है ना, नियम हाँ पांच पांच नियम है ना, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो संतोष पैदा तब होता है जब हम अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ कर लेते हैं, तो फिर व्यक्ति खुश रहता है। ठीक है, हमने अपना पुरुषार्थ पूर्ण किया, अब जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की क्या इच्छा है, ऐसा हमारा कर्माशय रहा होगा, ठीक है स्वीकार है। नेता लोग नहीं बोलते,
वो तो खैर ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अंदर से तो उनको कष्ट ही होता है। जब राजनेता एक पार्टी हार जाती है, एक जीत जाती है, तो हारने वाले की भी प्रतिक्रिया लेते हैं, मीडिया वाले तो छोड़ते नहीं किसी को। तो बोल जी कैसा लग रहा है? तो बोले भाई अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया, आगे जो जनता माता का निर्णय है वो सिर आंखों पे, ऐसे ही बोलना होता है। तो ये तो भाई जनता माता का निर्णय है, वो किसको अपना राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन अंदर से वो तो क्रिटिसाइज करते हैं कि बेईमानी की है, वो मशीन खराब कर दी, ऐसे कर दिया। अंदर से वो संतुष्ट नहीं होते, लेकिन योगी अंदर से संतुष्ट होता है कि मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया। तो भरत जी का तो ये फर्ज है, प्रजाजनों का भी फर्ज है, कर्तव्य है भाई, हम अपनी तरफ से तो पूर्ण प्रयास करेंगे उनको लाने का, क्योंकि इनका वही धर्म है कि वो अपने राजा को सब प्रकार से याचना, प्रार्थना, विलाप, शोक, हर दृष्टि से वो उनको लाने के लिए अपना अभ्यास करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। आगे भगवान की मर्जी है, राम की मर्जी आगे। तो माता श्री, जैसे हमारी माता पिता बहन सब प्रयास करते हैं, तो वो उनका धर्म है और हमको। क्या, उनका तो धर्म है। और या तो भगवान ने ही उनको नियुक्त किया है कि इस ब्रह्मचारी की लो परीक्षा, तो इसके लिए तुम रो भी, चिल्लाओ भी, और उनको ये याद भी दिलाओ कि क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा था तुम्हें। बहन को भी बताओ क्या इसी दिन के लिए राखियां बांधी थी इतने साल तेरे को। तो वो सब सब भगवान ने नियुक्त किया हुआ है, तो सब करेंगे। आप में कितना दमखम है तो परीक्षा तो होनी चाहिए ना। इतना बड़ा भगवान के प्रतिनिधि बनने जा रहे हो, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने का आपने निर्णय लिया है, तो किसी कायर कमजोर व्यक्ति को भगवान कैसे सौंप देगा अपनी सल्तनत? तो परीक्षाएं तो अनेक होंगी। अब ये तो बहुत छोटी हैं जिनको अभी हम बड़ी समझ रहे हैं ना, जब इससे बड़ी वाली आएगी ना तो आपको लगेगा वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो बस एक पत्ते को तोड़ने जैसे था। आगे आगे तो लोहे की फौलाद की वो भी आएंगे ना चेन, उनको भी तोड़ना पड़ेगा, तो बड़े धर्म संकट भी उपस्थित होंगे। ठीक है ब्रह्मचारी, इसने पूछा था कि कौन कौन सी कठिन परीक्षाएं आएंगी, तो ऐसे आती ही रहेंगी भाई। एक पार कर लोगे तब उससे कठिन वाली आएगी, एक को पार नहीं करोगे तब तक सारी जिंदगी वैसी ही आती रहेंगी, छोटी मोटी ही। जैसा जिसका स्तर होता है ना, भगवान उतनी ही परीक्षा लेते हैं उसकी, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं कि भाई पहले इसको तो पास कर ले ये। तो श्री राम के सामने श्री राम जैसी समस्याएं आएंगी, हमारे सामने हमारे स्तर की आएंगी, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो किसके लिए कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी, ये साइज कोई नहीं नाप सकता है। अब LKG वाले बच्चों के लिए तो उन्हीं का ही सिलेबस बड़ा कठिन है, तो आपके लिए है कि एक दिन का काम है ये तो कायदा रटना। तो जब आपने कायदा रट लिया तो आपके सामने फिर अगली पुस्तक आएगी। तो अब जहां व्याकरण के पंचोपदेश याद करना, पांच दर्शन याद करना, यही कठिन पड़ रहा है, और जब ये ऐसे चुटकी का काम हो जाएगा तो फिर आपके सामने आएगा कि आप कोई एक ऐसा व्याकरण बनाओ। ये अष्टाध्यायी भी तो किसी मनुष्य ने ही बनाई ना, तो वो तो बहुत ऊंचा स्तर था, और हमारा तो उनके बनाए हुए को याद करने वाला ही स्तर है अभी, तो हमारे से अपेक्षा यही की जाती है अभी। तो ऐसा है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। प्रणाम जी। अभी आपने प्रारंभ में शुरू करते ही बताया था कि भगवान राम कहते हैं कि कर्म का फल कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, यह सब हम तय नहीं करते। लेकिन बाद में प्रसंग आया कि भरत जी जब स्वजनों के साथ जंगल पहुँचे तो अभी भाई पूछ रहे थे कि क्यों गए, जब उन्हें पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। तो इस स्थिति में नहीं आएंगे ऐसा नहीं पता था 100%।
जी 100% नहीं पता था। उनको था कि मैं मना ही लाऊंगा उनको, वो मेरे कहने को कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। जी तो आपने कहा प्रयास करना चाहिए और प्रयास का फल होगा वह भगवान तय करेंगे। तो ये थोड़ा विरोधाभास सा लग रहा है। क्या लग रहा है? विरोधाभास। विरोधाभास। हाँ, पहले में तो ये हुआ ना कि भगवान तय नहीं करते कि कर्म का फल क्या मिलना है। दूसरी बात में ये आया कि भगवान तय करेंगे कि उनके प्रयास का क्या फल होगा। करने के बाद तय करेंगे, पहले तय नहीं करते हैं कि भाई आप ऐसा प्रयास नहीं कर सकते हो जी, ये तो भगवान नहीं कहेंगे। लेकिन अपनी तरफ से आपने पूर्ण प्रयास किया, वो भी निष्फल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ चला गया, लेकिन उससे भी प्रबल कोई आपका कर्माशय पड़ा है, पहले उसका फल भुगतना पड़ेगा। और यदि अभी आपने इतना प्रबल पुरुषार्थ कर दिया कि पीछे वाले को न्यूट्रल कर दिया आपने, तो वो दब जाएगा, वो भी निष्फल नष्ट नहीं होगा, वो भी, वो फिर कभी आगे जाके फल देगा। अभी ये वाला देगा जो आपका बहुत प्रबल है, पर वो उसका अभिभव कर देगा, उसको दबा देगा प्रबल जो है वो जी। तो अब दोनों भाइयों में मतलब होड़ लगी है, किसका त्याग महान, किसको अपने व्रत के प्रति दृढ़ता। तो श्री राम भी कम नहीं है, तो जैसे भरत जी की दृढ़ता है कि भाई मैं ले ही आऊंगा उनको, ऐसे ही श्री राम की भी दृढ़ता है कि भाई मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। और ये इनको ना विरासत में मिला है, इनके बाप ने भी तो नहीं तोड़ी ना प्रतिज्ञा जी, कई कई को वचन देने में वो भी तो पूरे सत्य प्रतिज्ञा रहे ना कि भाई कहा था तो ठीक है, यद्यपि कहा तो अकेले में था, किसी ने सुना तो नहीं था, पर उनकी आत्मा ने तो सुना था। तो उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, इतनी बदनामी सहन कर ली, पूरा घर में कोहराम मच गया, पुत्र वन में चला गया, पुत्र वधू चली गई, लेकिन तो भी उन्होंने अपने व्रत को तो नहीं तोड़ा। तो जो मतलब पिता के अंदर संस्कार हैं, तो बच्चों में तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं फिर बढ़ करके। तो इनके दोनों पुत्रों में भी वही है कि वो भी अपनी मर्यादा के सत्य के पूरे पक्के हैं, और दोनों ही नहीं तोड़ेंगे। आप ये भी देखो, भरत जी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। भरत जी ने कहा ना, भी बड़े भाई के रहते मैं राजगद्दी पे बैठूं, ये मेरा धर्म अलाउ नहीं करता है। और श्री राम कहते हैं कि भाई पिता ने जो मेरे को वनवास दिया था और मैंने उस व्रत को धारण किया था, मैं उसको तोड़ूं, ये मेरा धर्म अलाउ नहीं करता है। और दोनों ने ही अपने अपने धर्म का पालन किया, ना भरत जी राजगद्दी पे बैठे और ना श्री राम वापस आए। तो ऐसे भी होता है, ऐसे नहीं है कि भाई दोनों में से एक को तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो वो भी हमारे कमजोर संस्कार ही होते हैं, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना कि भाई चलो अब दोनों में से एक को तो व्रत तोड़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो भरत जी ने भी ऐसे नहीं कहा कि भाई अब राम तो तोड़ेंगे नहीं, ये तो बड़े हैं, तो चलो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो राज्य तो चल ही गया फिर भी, लेकिन दोनों का धर्म तो बचा ही रहा जी। दीदी, इसमें ये बात जो है ना कि भगवान कर्म फल का तय नहीं करते हैं, वो नहीं देते हैं, कौन देता है? हमारे कर्माशय के अनुसार भगवान देते हैं। मान लो हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें पता है कि इस कर्म का ये फल मिलना है, और हम वैसा ही प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर हमारे कभी कभी हमारे इच्छा के अनुसार फल मिल जाता है, और कभी कभी हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल मिलेगा। खास करके जब हम त्रुटियां करते हैं, अधर्म का आचरण कर देते हैं, तो उस समय हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि ये कुछ गलत हो रहा है और इसका फल मुझे दुख के रूप में मिलेगा, ऐसे नहीं पता होता है हमें। तो हम कर देते हैं राग के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, ये सब हैं हमारे अंदर दोष।